जय सियाराम, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है राहु की काली छाया में शुक्र। तो इस वीडियो को डिटेल में दिखाता हूं, सब्जेक्ट को समझाता हूं। तो इससे पहले मैंने जब गोचर का बृहस्पति पर एक वीडियो बनाया था, तब एक सज्जन हैं नितिन भारद्वाज, उन्होंने सवाल पूछा, बल्कि दो सवाल पूछे जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं कि क्या इस गोचर का जन्म कुंडली में स्थित ग्रह से कोई लेना देना है या प्रभाव पड़ता है कि नहीं। दूसरा, दशा और अंतरदशा का भी प्रभाव होगा कि नहीं। मूल रूप से उनका भाव ये था कि क्या गोचर एज इट इज सब पे एक जैसा लागू हो जाएगा या हर आदमी की कुंडली के हिसाब से, उसकी ग्रह स्थिति के हिसाब से, दशा अंतरदशा के हिसाब से उसके प्रभाव में फर्क आएगा। एकदम मौलिक और साधारण सवाल है, अच्छा सवाल है, इसीलिए इसको मैंने दिखाया। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ पर है, उसकी अपनी स्थिति कैसी है, वो कितना बलवान है, कितना कमजोर है, किस भाव का स्वामी है, इन सभी बातों का फर्क पड़ेगा। गोचर एकदम सबके लिए एक जैसा है, जैसे बारिश सबके लिए एक जैसी, लेकिन कोई बीमार है तो बारिश उसके लिए बुरी बात हो गई, और कोई आनंद लेना चाहता है तो वो बारिश में नहा रहा होता है। तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में जो गोचर की स्थिति है, जो ग्रह की स्थिति है, और दशा और अंतरदशा की स्थिति है, उसके हिसाब से ही गोचर को देखना युक्ति युक्त है, सही तरीका है, वैसे नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि गोचर प्रभाव नहीं करेगा। गोचर का प्रभाव सब पे होगा, लेकिन उसका इफेक्ट वैरी करता जाएगा पर्सन टू पर्सन, उसकी कुंडली में स्थित ग्रह और दशा अंतरदशा के हिसाब से। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आज की चर्चा यह है कि शुक्र के ऊपर 2 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक दृष्टि रहेगी राहु की, वो भी पूरी सातवीं दृष्टि, समसप्तक योग बन रहा है। यहां ये साधारण बात नहीं है, ये और भी अधिक अलग तरीके की बात है। कि ध्यान दीजिए तो राहु कहां पर है इस वक्त, वृषभ राशि में चल रहे हैं, जहां वो अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो राहु बहुत बलवान हो गए क्योंकि अपनी उच्च राशि में, तो उनकी दृष्टि भी बड़ी बलवान होगी, नीच दृष्टि डालेंगे जिस पर भी डालेंगे। जो ग्रह जहां उच्च का होगा वो अपने से सातवें भाव पर नीच दृष्टि डालेगा, यानी उस भाव का मैक्सिमम नुकसान कर सकता है, ये एक नियम है। इस सब्जेक्ट पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। चलिए अब शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र क्या है, वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। तो शुक्र उस राशि में वैसे ही सामान्य शत्रु गिना जाता है, यानी उस राशि में आने पर शुक्र के बेसिक स्वभाव में शरारत, चंचलता बढ़ जाती है, थोड़ा सा पाप बढ़ जाता है, थोड़ी सी शरारतें बढ़ जाती हैं। अब हो ये रहा है कि जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि में होने के कारण थोड़ा पीड़ित पहले ही है। शुक्र की राशि वृषभ में राहुदेव अत्यधिक बलवान होकर बैठे, दो तरीके हो गए, और राहु की पूरी दृष्टि, नीच दृष्टि पड़ रही शुक्र पर। तो यहां शुक्र पर जबरदस्त प्रभाव आ रहा है राहु का, यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक छोटा सा हिस्सा और आएगा लास्ट में, जिसे हम कहेंगे स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन योग। 21 अक्टूबर को मंगल फिर गोचर में ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होकर किस राशि में आ जाएंगे, तुला में। तो अब तुला राशि का स्वामी शुक्र वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का मंगल तुला राशि में, आखिरी एक हफ्ते ये प्रभाव भी होगा, जिसे राशि परिवर्तन योग भी हम लोग कहते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर पूरा महीना 2 अक्टूबर से लेकर महीने के आखिर तक लगभग जो प्रभाव है वो यही है। तो ये चीजें, ये जो अभी बताई जा रही प्रस्तावना में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल अपनी लगन को देख लेना उतना बढ़िया नहीं है, कर चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी इच्छा है। ये समझना जरूरी है कि राहु क्या करता है। राहु किसी भी चीज को जहां भी देखेगा, जहां भी अपना प्रभाव डालेगा, जहां बैठेगा, वो विच्छेदात्मक प्रकृति का है, सेपरेटर है, उन सुखों को कम कर सकता है जहां वो बैठता है। तो यहां पर वो वृषभ राशि पर दबाव डाल रहा है, वृश्चिक राशि पर भी दबाव डाल रहा है, और शुक्र पर इसलिए जबरदस्त दबाव डाल रहा है क्योंकि वो उसकी राशि में बैठ करके शुक्र को देख रहा है। जिस भाव से बैठ के देखेगा, जिस भाव को देखेगा, उन सब के नुकसान की स्थितियों को पैदा करता है। अब कैसा नुकसान, उस सुख को या उस दुख को वो बढ़ाने की हिम्मत रखता है, आमतौर पे दुख ही बढ़ाता है। शुक्र सपने हैं, प्रेम है,
वैवाहिक जिंदगी है और इसी तरह की फैंटेसी तिलिस्म एक सपनीली दुनिया को का निर्माण करता है शुक्र। तो वृश्चिक राशि में जाके वैसे ही थोड़ा सा वो बढ़ गया, उसके मन में प्रेम लगाव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चाहना पसंद नापसंद बहुत बढ़ जाती है और राहु के कारण उसमें लग गया कलंक योग। आप इसे कलंक योग भी कह सकते हैं कि जब राहु की पूरी दृष्टि शुक्र पर आती है तो एक कलंक योग बनता है। तो अब यहां जो स्थिति है ये कि शुक्र वीक नहीं है, शुक्र पर राहु की काली छाया के कारण अब इसमें कलंक का भाव क्या हुआ, मान अपमान होना, पब्लिकली आपका सम्मान घट जाए, आप पकड़े जाएं, आपकी शरारतों की बजाय बदतमीजियां लगने लगे। इस दौरान जिनकी कुंडली में शुक्र भी पहले से भी वीक होगा या कुछ दशाएं भी ऐसी चल रही होंगी, उनके लिए प्रेम विवाह होने की, नए सिरे से प्रेम होने की इस तरह के भी समस्याएं या हालात पैदा होंगे। तो मुझे उम्मीद है मोटा मोटा टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। हर लग्न पर उसका एक जैसा प्रभाव नहीं होगा, जहां भी शुक्र का या राहु का सातवें घर से लग्न से पांचवें घर से किसी और बारहवें घर से किसी तरह भी लेना देना आएगा उनको अत्यधिक प्रभाव होगा। एक एक करके सभी लग्नों पर चर्चा करते हैं जिससे ये बात क्लियर होती चली जाए। तो मेष लग्न की स्थिति है कि वहां पे राहु दूसरे भाव में बैठेंगे और शुक्र आठवें, लेकिन यहां शुक्र क्या है, वैवाहिक जीवन के सुख के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम में गए, तो गोचर में स्थिति हो गई अत्यधिक खराब। तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन खराब होगा, डिस्टर्ब होगा, आपसी तालमेल बिगड़ेंगे। अब सातवां घर केवल और केवल ये नहीं है कि उसमें हम विवाह देखें, सातवां घर हमारे सुखों के लिए चौथे भाव से चौथा के लिए भी देखना चाहिए और दशम भाव से दशम रोजमर्रा की आमदनी हमारे स्टेटस और रुतबे के लिए भी देखना चाहिए, ससुराल के लिए भी देखना चाहिए। तो इतने सारे मुद्दे उसमें देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त होगा ही होगा, आप पे आक्षेप लग सकते हैं, तनाव बढ़ सकते हैं, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, रोजमर्रा की आमदनी में दिक्कत देखने में आ सकती है और इससे स्टेटस को भी थोड़ी बहुत तकलीफ देखने में आई। तो अपने वैवाहिक जीवन को संभालें, अपनी सामर्थ्य को संभालें, क्रियाकलाप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अन्यथा आपके लिए महीना ये गोचर खराब जाएगा। फिर समझ लें उन्हीं के लिए अधिक खराब होगा जिनकी कुंडली में पहले से ही शुक्र की स्थिति वीक होगी, जिनकी बहुत अच्छी होगी उनको ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी भी रूप में शुक्र को या राहु को बृहस्पति या चंद्र की कृपा दृष्टि या युति मिल रही होगी आपकी जन्म कुंडली में, तो ये प्रभाव बहुत कम होगा, होगा सबको पर फिर बहुत कम होगा। तो क्या करना चाहिए मेष वालों को, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो शुक्र के मंत्र जाप करिए, शुक्र के लिए दान कीजिए, स्क्रीन पर आप ये सारी चीज देख पा रहे हैं, तो इससे उन्हें लाभ जरूर होगा, ये शांति से निकल जाएगा, कम से कम तकलीफ होगी। उपाय से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन हम हमारी सामर्थ्य को अपने विवेक से इंप्रूव कर लेते हैं, जानकारियों को इंप्रूव करते हैं, समझ को इंप्रूव करते हैं, इससे हमसे गलतियां नहीं होती, अनजाने में होने वाले कुविचारों को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो उपाय जरूर करें, करना ही चाहिए, उनके लिए दिक्कत ज्यादा है। मेष, अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। अब वृषभ लग्न की तो लग्न ही प्रभावित हो गई, लग्न में ही राहु बैठ करके शुक्र को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सेहत को लेकर के भी, डाइजेशन को लेकर के भी, इमेज को लेकर के भी, वैवाहिक जीवन को लेकर के भी तनाव आएगा, रोजमर्रा की आमदनी पर भी फर्क आएगा, आपके सुखों को लेकर कमी आ सकती है। तो कुछ खींचतान, कुछ उलझने, कुछ झंझट, थोड़ी बहुत ब्लैकमेलिंग जैसी समस्या भी हो सकती है, तो अधिक सजग रहें, अधिक सावधान रहें, इस तरह के कलंक से लगने से बचें। संभव हो तो महिलाओं से जरा संभल के, मैं ऐसा नहीं है कि महिलाओं का विरोधी हूं, पर फिर भी थोड़ा सा संभल के चलना कि जिससे किसी को ये ना लगे कि आप उनसे बिना मतलब क्लोज हो रहे हैं, आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत देखने में आ सकती है। उपाय वही है, शुक्र के लिए जितना भी उपाय संभव करें, आप राहु के लिए दान भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसीलिए मैं दोनों उपाय एक साथ ही आपको दिखा रहा हूं, इनमें से आप दोनों करिए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मिथुन लग्न की बात करते हैं तो राहु बारहवें घर में, बारहवां घर हमारा शैया सुख का भी है, हमारा बेडरूम भी है, मोक्ष का भी, बहुत सी चीजें उसमें देखी जाती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है उसमें आज के वीडियो के संदर्भ में बेडरूम एडजस्टमेंट। और शुक्र पीड़ित हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं आपकी वैवाहिक जिंदगी यहाँ पर पीड़ित होती हुई दिखाई देगी। संतान के साथ तालमेल की स्थितियों में कमी आएगी। आपका विवेक, आपका सही मौके पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य गड़बड़ाएगी। आप नेगेटिव साइड के रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ जाओगे। कुछ नहीं होता, देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। बहुत अधिक खर्च हो सकता है, कुछ कानूनी दिक्कत और खींचतान हो सकती है, पब्लिकली अपमान होना भी हो सकता है। सावधान रहें, सजग रहें, इस योग से बचने का प्रयास करें। जानकारी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। उपाय तब करना चाहिए जब और कोई चारा ना बचे। जानकारी ही सबसे सुंदर उपाय है। उपाय फिर वही फिक्स है जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब बात आ जाती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों को थोड़ी सी राहत यहाँ पर है, उतनी ज़्यादा समस्या उन्हें आती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसका सीधे सीधे कोई लिंक भी जो है सातवें घर से और लग्न से नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी असर जरूर आएगा। तो इनके संतान की तरफ से ये समस्या हो सकती है। आपके बच्चे थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी इमेज को धक्का लगे, क्योंकि सभी सेपरेट नहीं है, हमें संतान की तरफ से भी तो ये तनाव देखने में आ सकते हैं। तो थोड़ी सजगता ये रखनी है कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ख्याल रखना है, उनको समझना है, उनको समझाना है, और उनके क्रियाकलापों पर थोड़ी सी निगाह रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है। कर्क लगाने वालों को डायरेक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, पर बच्चों की तरफ से समस्या देखने में आ सकती है। इसके लिए किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं है, सावधानी काफी होगी। सिंह लग्न की बात करते हैं। अब चौथा घर क्या है? सुख का। और चौथे से चौथा सातवां या सातवें भाव का जो दशम भाव सामर्थ्य है वो क्या हुआ? चौथा घर। ये टेक्निकल चीजें हैं, फिर से बोलता हूं, चौथा घर सुखों का, चौथे से चौथा भावात भावम पकड़िए, तो आ गया हमारा सातवां, सातवां वैवाहिक जीवन का सुख। तो आप सुखी होंगे तो वैवाहिक जीवन का भी सुख होगा, नहीं तो कैसे होगा। और किसी भी भाव की सामर्थ्य उससे दसवां भाव होता है, तो सातवें भाव से जो दशम भाव आया वो कौन सा आया? वो आ गया आपका चौथा घर। इसलिए सिंह लगन वालों के लिए युति ये समसप्तक योग बनेगा दसवें और चौथे घर में, यानी सीधे सीधे उनके सुख प्रभावित होंगे निश्चित रूप से। आपको भी तनाव देखने में आ सकता है। आप अच्छा करें या नहीं करें, आपकी कोई गलती हो या ना हो, तब भी ये हो सकता है कि आप पर कोई आक्षेप लग जाए, आप पर कोई एलिगेशन लग जाए। तो थोड़ा सावधान और सजग जरूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग बड़े सच्चे दिल से भी कोई मजाक करते हैं तो अभी किसी को चुभ जाता है या किसी को ये वहम हो जाता है कि आप प्लान करके उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो थोड़ी सावधानी हंसने बोलने में भी रखेंगे तो काम चलेगा, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जिसमें आपका सोशल स्टेटस डाउन जाए, आपकी इमेज पर फर्क पड़े, आपके व्यक्तित्व पर फर्क पड़े, हो सकता है। कन्या लग्न की बात करते हैं तो इनको बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है, तो थोड़ा शांति से इनका काम चल जाएगा। शुक्र का असर सब पे आएगा, लेकिन एक होती है वो लिमिट जिस लिमिट तक हमें तनाव नहीं होता, एक वो लिमिट होती है जहां से हम सुरक्षा सीमा से आगे निकल गए। तो जब तक बात शरारतों तक है जब तक तो कोई समस्या नहीं, इतना तो सबके साथ है, लेकिन बात अगर शरारतों से आगे निकल जाए तो अब हमारे लिए वो तनाव का कारण बन जाती है। तो तुला लगन के लिए, ये जो कन्या लगन के लिए सॉरी, कोई बहुत भारी भरकम स्थिति यहाँ पे नहीं है, उनके लिए ठीक है। अब तुला लगन की बात करते हैं तो लगन का स्वामी ही शुक्र है, तो इनको निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। बोली में, भाषा में कमर दर्द जैसी शिकायतें भी एक्स्ट्रा में मिलने वाली हैं। आपके भाषा में थोड़ा कड़वापन, तीखापन, यानी आप अपनी भाषा के गलत उपयोग के कारण भी झंझट में पड़ सकते हैं। अच्छा, अब लग्न क्या है? लग्न से सप्तम भाव है हमारा वैवाहिक जीवन का, और सप्तम से सप्तम लग्न है, तो अगर लग्न खराब हो जाए या लग्न पर कोई दबाव आ जाए तो उसका असर हमारे व्यक्तित्व, सेहत और वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। तो निश्चित रूप से तुला लग्न वालों को भी थोड़ा बहुत तनाव देखने में जरूर आएगा, उनको भी सावधानी। ये योग अच्छा तो है ही नहीं, इसलिए फर्क तो सबको ही पड़ेगा, लेकिन कम ज्यादा की चर्चा हो रही है केवल। तो तुला लग्न को थोड़ा जरूर फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बात बन जाएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो इनकी तो लग्न और सप्तम भाव में ये बन रहा है, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी जन्म कुंडली को दरकिनार कर रहे हैं, जन्म कुंडली में स्थितियां अच्छी हैं, वहां पर कोई खराब हालात नहीं है, तो ना के बराबर पड़ेगा, पर मन की चंचलता आपको प्रभावित करेगी, मन आपको भटकने के लिए मजबूर करेगा,
आपने अपने आप को बहुत संभाल के चलना है, सावधानी से चलना है, जिससे कम से कम दिक्कत हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि गलती आपसे हो, दूसरे भी आपके साथ गलती कर सकते हैं, दूसरों को भी आपके प्रति प्रेम लगाव ये आकर्षण का अनुभव हो सकता है और इससे भी आपकी इमेज को धक्का लग सकता है। तो थोड़ी सावधानी बहुत ज़रूरी है। उपाय स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वो आपको करना ही करना चाहिए। शांति से एक महीना निकल गया तो बात बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है धनु लगन की। धनु लगन में स्थिति है कि शुक्र बार में बैठेंगे और बारहवां घर हमारा बेडरूम है। इनके लिए भी स्थितियां अत्यधिक खराब रहने वाली हैं। इनके लिए भी मन में भटकाव, चंचलता और उसके लिए रिस्क लेने का, जिसे हम कहते हैं ना कि देख लेंगे जो होगा कोई बात नहीं, पर अभी तो करना है, ये बढ़ सकता है। तो सावधानी की सख्त जरूरत इनको भी होगी। धनु लगन वालों के लिए भी कोई अच्छे हालात नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से राहु छठे घर में बैठता है, इसे शत्रु विजय योग भी समझ के चलिए, तो ये कहीं भी किसी भी हाल में इतने आराम से बिगड़ने नहीं देता। लेकिन लोग कानाफूसी तो कर ही सकते हैं, इमेज तो बिगड़ ही सकती है, किसी ना किसी तरह की थ्रेट आएगी। आप में जीतने की ही तो सामर्थ्य है, समस्या आने से रोकने की नहीं। तो बेशक समस्या आएगी, आप उसे बेशक जीत लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जरूर आएगी, ये बात हो जाती है। इसके बाद बात आ गई है मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए स्थितियां बहुत टफ नहीं रहेंगी। राशि में रहने का प्रभाव जरूर आएगा, पर संतान की तरफ से थोड़ी बहुत तनाव देखने में आ सकते हैं, यानी आपके बच्चे कुछ इन चीज़ों से प्रभावित हो जाएं और इसका इफेक्ट आपको देखने में आ जाए, ये बिल्कुल संभव है। तो आपको सावधानी थोड़ी रखनी है, संतान की तरफ से जागरूक रहने, बहुत ज़्यादा फिक्र करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, पर जागरूक जरूर रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको गड़बड़ हो जाती है, ये सब गड़बड़ करते ही करते हैं, लेकिन ये मन, हमारा मन प्रभावित होता है, उसी हिसाब से जो सक्षम हैं, जो जागरूक हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, नहीं तो बहुत कुछ भी होता है। तो मकर के लिए बहुत अधिक फिक्र की बात नहीं है, बच्चों की तरफ से थोड़ा सावधान रहेंगे। स्टेटस थोड़ा प्रभावित होगा, लेकिन ऑन दी ऑल इनकम इम्प्रूव होगी, फायदा होगा। तो जो हमारा आज का दृष्टिकोण है, उस लिहाज से मकर के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं। कुंभ लगन वालों के लिए निश्चित रूप से प्रभाव आएगा, आपकी इमेज, आपकी पोजीशन, आपका रुतबा प्रभावित होगा, दिल को धक्का लग सकता है, इमेज बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें, कहीं ना कहीं ये प्रभाव आपको संतान की तरफ से भी आएगा और आपकी अपनी तरफ से भी आएगा। तो कुंभ के लिए स्थितियां अच्छी नहीं। फिर से बता देता हूं कि क्यों होगा ऐसा। चौथा घर सुखों का है और वहां राहु बैठता है, और राहु किस राशि में, शुक्र की राशि में। तो सुखों की कमी शुक्र की गड़बड़ के कारण भी हो सकती है। चौथे से चौथा सातवां भाव जो वैवाहिक जीवन का सुख है, उसका नेचुरल कंट्रोलर जो कारक है वो शुक्र है, वही पीड़ित हो रहा है। ये दोनों चीज़ें होने के कारण कहीं ना कहीं इसका हमारी वैवाहिक जिंदगी, हमारी इमेज, हमारी पर्सनल जिंदगी के डिस्टर्बेंसेस और संतान की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, क्योंकि ये इमेज इस तरह रहेगा कि पंचम से पंचम नौवें भाव का स्वामी है शुक्र। तो थोड़ी सावधानी यहाँ पर आपको निश्चित रूप से रखनी है, उपाय पर ध्यान रखेंगे तो फायदा आप ही का है। आज की आखिरी लगन आ गई मीन लगन। मीन लगन की स्थिति एवरेज एवरेज है, बहुत खराब नहीं है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन आठवां घर का जो कंट्रोलर है शुक्र, ध्यान दीजिए शुक्र आठवें घर का कंट्रोलर है और अष्टम से अष्टम का कंट्रोलर वृषभ राशि बन रही है और उसमें राहु बैठते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको सेहत को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत इमेज को हो सकती है, और बहुत माइनर फीचर्स हैं। तो मीन लगन वालों के लिए बहुत अधिक तनाव या टेंशन लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं बनेगी, उनके लिए स्थितियाँ एवरेज एवरेज है। उपाय हर लग्न वाले को करना चाहिए, थोड़ा बहुत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, पर जिन सात लग्नों को ज़्यादा तकलीफ है, जो मैंने नंबर वारी से बताया, स्क्रीन पर आप उनका एक एक करके लिस्ट भी देख पा रहे हैं। इसमें मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ, इनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, तो इन्हें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये आज का वीडियो यहाँ पर हम पूरा करते हैं और उपाय आपको मैंने बराबर बता दिए। कोई भी प्रश्न ऐसा जो इस वीडियो से संबंधित है और आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आगे की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।